हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राई, जो एकदम क्रिस्पी होंगे। और इसके लिए मैंने चार आलूओं को छील कर धुल लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। ये देखिए मैंने किस तरीके से आलू को कट किया हुआ है। अब हम इसके स्लाइस काटेंगे। इसी तरह से हमें चारों आलूओं को काटना है। ये देखिए मैंने सभी आलूओं को कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच अरारोट। दो चम्मच मैदा। मैदा हम कम ही रखेंगे। ये देखिए आधा चम्मच नमक। अब हम इसे मिला करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इन्हें 5 मिनट के बाद बनाना स्टार्ट करूँगी, इसलिए क्योंकि इस पर जो ये मैदा आरा रोट है अच्छे से चिपक जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से इस पर मैदा आरा रोट लग चुका है। अब हम इसे तलेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है ताकि हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए फ्रेंच फ्राई, क्योंकि इन्हें क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंच फ्राई बनके तैयार हो चुके हैं। ये एकदम से क्रिस्पी हैं। और ये साथ में मैंने ली हुई टमाटर की चटनी, जिसे मैं बिना पीसे बनाती हूँ। इसका वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ।